हेलो गाइस, दिस इज मी शिल्पा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। और आज मैं आपको आधार सेंटर से रिलेटेड एक अहम जानकारी देने जा रही हूं जो हर नागरिक के काम आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने आधार को अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर जाना होता है। जो काम ऑनलाइन हो जाते हैं उसे छोड़ के कुछ ऐसे अपडेशन भी हैं जिनके लिए हमें आधार सेंटर जाना ही होता है, जैसे बायोमेट्रिक्स हुआ या फिर फोन नंबर अपडेट हुआ, तो इसके लिए आपको आधार सेंटर जाना ही होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जितना शुल्क लिया जाता है इन अपडेशन के लिए, उससे ज़्यादा शुल्क वहाँ बैठे अधिकारी आपसे मांगने लगते हैं। कई बार लोग उतना ही शुल्क दे देते हैं जितना वो मांगते हैं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपसे निर्धारित शुल्क के अलावा कोई व्यक्ति और भी शुल्क मांगता है, ज़्यादा शुल्क मांगता है, तो आप उसकी कंप्लेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका तरीका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो इसे एंड तक देखिएगा ताकि अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो आप उसकी ऑनलाइन शिकायत कर पाएं। आधार कार्ड से संबंधित किसी भी कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना होगा। इसके बाद आपको सर्च बार में आधार कार्ड कंप्लेंट डालना होगा। यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर फाइलर कंप्लेंट / माय आधार का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपसे काफ़ी सारी डिटेल्स आपकी मांगी जाएंगी। इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, ये सब दिया गया होगा। आपको इन सबको भरना है। आप अपना नाम एंटर कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। इसके बाद आपको स्टेट डालना होगा। इसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक होगा कंप्लेंट फॉर और दूसरा होगा एंटर कंप्लेंट टाइप। अब आपको कंप्लेंट फॉर में सेल्फ डालना होगा और एंटर कंप्लेंट टाइप में ऑपरेटर / एनरोलमेंट एजेंसी डालना होगा। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिया गया होगा एंटर कैटेगरी टाइप। यहाँ पर आपको एनरोलमेंट एजेंसी : डिमांडेड मनी फॉर फ्री सर्विस एनरोलमेंट, ये आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं, आप उसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे अगर आपको कोई कमेंट लिखना है या अपनी बात पूरी तरह से बतानी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा डालना होगा जो आपको वहाँ दिया गया होगा, एकदम सही सही आपको कैप्चा डालना है। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया होगा नेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि योर कंप्लेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर किया जा चुका है। इससे रिलेटेड आपके पास एक मेल भी आ जाएगा। तो देखा कितना आसान तरीका है इसकी कंप्लेंट करने का। तो अगर आप कभी आधार सेंटर जाते हैं और आपसे एक निर्धारित शुल्क से ज़्यादा पैसा मांगा जाता है तो आप इस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं।